हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अपनी यूट्यूब वीडियो में मोबाइल का फ्रेम या फिर अपने यूट्यूब थंबनेल में मोबाइल का फ्रेम कैसे ऐड कर सकते हैं जिससे आपका वीडियो और भी अट्रैक्टिव लगे, जिससे आपके व्यूअर्स को आपकी वीडियो देखने में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आए, तो इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, सब कुछ फुली गाइड कर दूंगा आज मैं आपको। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस। उसके बाद सबसे पहले आपको चलो जाना है क्रोम ब्राउज़र में। तो गाइस ये देख लीजिए, हमारा क्रोम ब्राउज़र ओपन हो रहा है। तो गाइस हम एक ओपन कर लेते हैं न्यू टैब। तो गाइस इसमें आपको लिख लेना है सिंपली मोबाइल फ्रेम PNG। तो गाइस जैसे ही आप ये लिख कर सर्च करेंगे उसके बाद आपके सामने बहुत सारे इंटरफेस खुलकर सामने आने वाले हैं। तो गाइस ये देख लीजिए, ऐसे ही आपके सामने कुछ इंटरफेस खुलकर सामने आने वाले हैं। उसके बाद आपको सिंपली किसी एक पर कर देना है टैब, उसके बाद आपको कर लेना है ऐसे डाउनलोड। तो गाइस जैसे ही आप इसको कर लेंगे डाउनलोड, उसके बाद गाइस देख लीजिए, उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है बैकग्राउंड इरेजर। तो गाइस इसे आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपको सिंपली करना आपको इसको ओपन। तो एक मिनट गाइस, तो गाइस इसके बाद आपको सिंपली लोड है फोटो पे चले जाना है। तो गाइस उसके बाद आपको कर लेना है फ़ोटो को सेव। ऐड करने के बाद आपको सिंपली डन कर देना है। उसके बाद आपको एक क्लिक में ही इसका बैकग्राउंड आप इरेज कर सकते हैं गाइस, ये देख लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर भी कर देना है इरेज गाइस, ये देख लीजिए। तो गाइस ये देख लीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पे कर देना है डन। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे सिंपली इस नंबर 2 पे कर देना है सेट और कर देना है इसको सेव। तो गाइस देख लीजिए, ये हमारा यहाँ पर फिनिश हो चुका है। और गाइस इसको कैसे यूज करना है अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। मैं आपको इसी वीडियो में सारा कुछ बताने जा रहा हूँ, आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको बताऊँगा। तो गाइस चलिए मैं अब आपको आगे बताने वाला हूँ। और गाइस उसके बाद आपको फिर से चले जाना है क्रोम ब्राउज़र में। और उसके बाद गाइस आपको एक न्यू टैब ओपन कर लेना है या फिर आप इसी में भी सर्च कर सकते हैं। इसमें आपको लिखना है WWD वुडन बैकग्राउंड। तो गाइस आपको ये वुडन बैकग्राउंड लिख कर सिंपली सर्च कर लेना है। उसके बाद आपके सामने बहुत सारे बैकग्राउंड आ जाएंगे जिसे आप इसमें यूज करना चाहेंगे। तो गाइस इसमें देख लीजिए, बहुत सारे बैकग्राउंड हमारे सामने आ चुके हैं। तो हम इसमें से कोई सा एक अच्छा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो गाइस हम इस बैकग्राउंड को ले लेते हैं अपने वीडियो के लिए। तो गाइस उसके बाद आपको सिंपली कर लेना है इसको डाउनलोड। तो गाइस जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आपको न्यू एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है काइन मास्टर प्रो। अगर आप इस एप्लीकेशन को फ्री वाला डाउनलोड करना चाहें तो आप इसको प्ले स्टोर से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इसका प्रो वर्जन फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा कि इसे आपको कैसे यूज करना है।